दोस्तों क्या हाल हैं, कैसे मिजाज हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब दोस्तों को सूद गुंदों का सलाम पहुंचे। दोस्तों इस वक्त मैं तुर्की के शहर इस्तांबुल में हूं, और इस्तांबुल में भी जिनका सबसे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है तकसीम स्क्वायर, जिसको टैक्सम स्क्वायर भी कहते हैं, असल में तकसीम है, तकसीम स्क्वायर, वहाँ पर हूँ। और आज का दिन मेरा इरादा यही है कि मैं इस्तांबुल में गुजारूं। ये जनाब यादगार है जो 1928 में यहाँ पे लगाई गई थी। पहले यहाँ पे एक्सेस था, लेकिन अब पुलिस ने इसको बंद कर दिया है, तो अब आपका एक्सेस यादगार तक जो है वो ख़त्म हो गया। ये इसका सब इस तरफ तकसीम मस्जिद है, ये देखें आप। ये चारों तरफ वो सामने आपको टर्की का झंडा नज़र आ रहा होगा। ये मेन अट्रैक्शन है यहाँ पे, टूरिस्ट अट्रैक्शन, और टूरिस्ट में ये जगह जो बहुत मशहूर है, इस ये जो मशहूर है जमाना ट्राम चलती है उसका ये ट्रैक है, और जगह जगह आपको यहाँ पे स्टॉल नज़र आएंगे, जैसे कि सामने सुबह सुबह नाश्ते का स्टॉल नज़र आ रहा है। और ये वो सामने शवारमा शॉप्स हैं, अभी सुबह सुबह 10 बजे शवारमे लग गए हैं, आप देखें। अगर आपने क्लास किस्म का शवारमा खाना है तुर्की में, इस एरिया में अगर आप हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और रह सकते हैं। ये तकसीम स्क्वायर है, ये सामने सोफिटल होटल है। देखिए आप लोग तस्वीरें बना रहे हैं जगह जगह। सामने तरफ आपको ये चिलियाँ नज़र आ रही होंगी, चिलियों का स्टॉल है। यहाँ से ये स्टार्ट होता है इस्तकलाल एवेन्यू, तो पैदल चलने वालों के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे बहुत लोग चलते हैं पैदल, और एक से एक ब्रांड जो है ना अच्छा, वो यहाँ पे होता है। ये आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा सेंटर, ये है जनाब सेंटर इस वक्त इसका, यहाँ से सेंटर नहीं, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, और ये मेरे सामने जो है ये इस्तकलाल एवेन्यू है एंड तक ये, और ये तकसीम स्क्वायर से ये स्टार्ट हो रहा है। ये देखें सुबह के तकरीबन 10 बजे हैं, लेकिन लोग जो है वो यहाँ पर आ गए हैं, टूरिस्ट पैदल चलने वाले हैं। इस तरफ जो है वो बकलावा नाश्ता, ये देखिए आप, इस तरफ ये फ्रेंच कल्चरल सेंटर है गालिबन, ये देखिए मेन्यू में लगाए हुए हैं बाहर, इस तरफ कबाब और मीट में टर्किश फूड का कोई सानी नहीं है। ये देखिए लैकोस्ट, सुपर स्टेप, स्वैच, एक से एक बड़ा जो ब्रांड है वो यहाँ पे मौजूद है। चेंज ऑफिस, अगर आपके पास पैसा है आपने चेंज कराना है, और मेरे पास वैसे है एरालो की ई सिम डाटा के लिए, लेकिन मेरी ख्वाहिश यह है कि मैं तुर्क सेल से भी एक सिम जो है वो ले लूं, क्योंकि डाटा यहाँ पे काफ़ी चलेगा। ये तुर्क सेल है, तो यहाँ जाके चेक करते हैं सिम की क्या प्राइस है। ये जनाब एक हेलीकॉप्टर यहाँ पे उतर रहा है, और सिम मैंने चेक की, बहुत महंगी सिम है, आलमोस्ट 30
यूरो की सिम दे रहे हैं ना ये लोग। 30 यूरो में तो वैसे मुझे बहुत डाटा मिल जाएगा एयरालो से। तो तुर्क टेलीकॉम वाले हैं, इनके पास चेक करते हैं। लेकिन ये देख रहे बैन लिख के लगाया हुआ है, इनके पेज पे है 290 लीरा और यहाँ पे इन्होंने 900 लीरा लिख के लगाया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि 900 लीरा 20 से 25 यूरो बनते हैं। 25 यूरो में आप जो है वो अच्छी सिम जो है वो ले सकते हैं ऑनलाइन, या आपको ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे आने की और इनसे सिम खरीदने की। तो आप ऑनलाइन सिम जो है वो एयरालो पे जाएं तो अच्छी सिम मिल जाएगी। ये देखें आप, ये फूड है, इस तरफ मैकडॉनल्ड KFC वगैरह सब कुछ है। जगह जगह यहाँ पे लोग आपको रुझाने की कोशिश करेंगे। कोई आपको ये कहेगा कि मुझसे परफ्यूम ले लो ओरिजिनल, कोई कहेगा लॉटरी में डाल लो हिस्सा, कोई कहेगा आओ कावा पे लाऊं, कोई कहेगा आओ डिस्को में लेके जाऊं, कोई कहेगा आओ नाइट क्लब में लेके जाऊं। तो इन सब से आपने बचते जाना है अगर आपका मूड इन जैसा नहीं है। तो ये देखें जगह जगह चेंज। अच्छा, यहाँ पे चेंज करने का रेट मुख्तलिफ है, यहाँ पे अच्छा रेट मिलता है। अगर कभी आप आए तो एयरपोर्ट पे मसलन वहाँ अगर 100 यूरो चेंज करें तो मिलते हैं 2800, यहाँ पे मिलते हैं 3700, तकरीबन 900 लीरा का फ़र्क है। कोशिश करें कि यहाँ से एयरपोर्ट से मत पैसे चेंज करवाएं, अगर आपने लेने ही है करवानी है तो यहाँ से चेंज करवाएं, यहाँ आपको रेट कुछ ज़्यादा मिलेगा। इस तरफ छोटी गलियां हैं साइड्स पे, उन गलियों में कहवा खाने हैं और आप इन कहवा खानों पे बैठ के टर्किश कहवा पी सकते हैं। शीशा पी सकते हैं, शीशे के भी कुछ बने हुए हैं स्पेशली। ये इस तरफ वोडाफोन का है, मैंने कहा चले इनके सिम रेट्स भी देख लिए जाएं। आ तो गए ही हैं हम लोग। ये देखें इन्होंने अच्छे लगाए हुए हैं, लेकिन जब आप जाएंगे तो चलेगा कि कैसा रेट है। इस तरफ है इनका अनलिमिटेड वीकली, और भला करें ये जो कह रहे हैं इनके रेट अच्छे लग रहे हैं। 600 लीरा में ये दे रहे हैं 40 GB, और इधर ये दे रहे हैं जनाब 210 लीरा में 8 GB और 320 लीरा में 16 GB, 400 लीरा में 32 GB। चलें इनसे चेक करते हैं कि ये क्या रेट्स हैं इनके। तो ये जितने भी सिम ऑपरेटर हैं यहाँ पे, वोडाफोन टर्कसेल वगैरह, ये महंगे हैं इंटरनेट के लिहाज से। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तुर्की तो ई सिम खरीदें ऑनलाइन। अभी मैंने देखी 30 GB ई सिम एयरालो की $26 की है वो, और यहाँ पे जो दे रहे हैं वो $40 की है। तो आप ये ख़रीद सकते हैं सस्ती, और आपको आने की ज़रूरत भी नहीं है, आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके ले सकते हैं। और लेने के बाद जो है वो ऑनलाइन आपको QR कोड मिल जाएगा, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ई सिम कंपेटिबल फ़ोन आपके पास होना चाहिए। ये मांगो का है, देखें टूडर्स का है, इस तरफ भी जाते हैं ज़रा। ये देखें आप, ये इस तरफ, ये इस तरफ गलियां हैं, उन गलियों में छोटी कुर्सियाँ, इस तरह लोग बैठ के नाश्ता वाश्ता कर सकते हैं। जगह जगह ठेले बने हुए हैं, और आप H&M, ये तकरीबन 2 किलोमीटर से ज़्यादा का है इस्तकलाल एवेन्यू, लेकिन ये है कि मज़ेदार जगह है वॉक करने के लिए। आप अच्छी वॉक इस पे
कर सकते हैं और अच्छा इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा मैं इंटरनेट के हवाले से बता रहा था, उसमें यह छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं, उनके पास एक स्पेशल ट्रिक होता है, वो तकरीबन इनसे आधी कीमत में आपको आधा इंटरनेट जो है वो दे देते हैं। ये आइसक्रीम है कोई ले नहीं रहा अभी इनसे, वरना यहाँ पे बड़ा फन होता है जब ये किसी को देते हैं और वो ले नहीं पाता। ये देखिए इन्होंने कितना ज़बरदस्त कर दिया है कि हर टूरिस्ट प्लेस पे चेंज ऑफिस है। इनको पता है कि लोग पैसे लेके आते हैं और उन्होंने चेंज करने होते हैं। और ये लिवाइस का सामने तो इन्होंने जगह जगह लोगों के रीच में बना दिए हैं, भाई जहाँ मर्जी चाहो पैसे चेंज कर लो, कोई आपको परेशानी नहीं है, कोई आपसे पूछ पूछ नहीं है। ये इतना इन्होंने एडवांस किया हुआ है और एक सेकंड में वो डिजिटल सिस्टम है, आपको पेमेंट कर देते हैं, आपका पासपोर्ट देखते हैं और साथ रसीद भी देते हैं। इसके अलावा इस टूरिस्ट प्लेस पे जगह जगह बैंक्स हैं और अब वो सामने देखिए फेमस ट्राम जो है इनकी वो आ रही है। ये देखिए कितना खूबसूरत जर्मन शेफ बड़े आदमी लेके फिर रहा है। ये इस तरह वो मशहूर ज़माना जो इनकी ट्राम है वो आ गई है। आप ये देखें लोग जो है वो इसमें सफ़र करना वो समझते हैं, जो भी यहाँ आता है एक दफ़ा लाजमी इसमें सफ़र करता है। मैंने भी एक दफ़ा किया है इसमें, काफ़ी से पहले की बात है। तो ये टैक्सकम और सॉरी इस्तकलाल एवेन्यू पे चलती है। ये देखें स्केचर मावी, एक से एक ब्रांड है। और इस तरफ देखें आप सुबह सुबह कावा और शीशा, स्ट्रीट जो इस तरफ आप जाएंगे तो कावा और शीशा। मैं नज़दीक इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि लोग माइंड करते हैं, दूर से माइंड नहीं करते, लेकिन जब बिल्कुल हम नज़दीक से बनाते हैं तो फिर जो है वो लोग माइंड करते हैं और एम्बेरस होते हैं। तो ये दोस्तों तकरीबन 2 किलोमीटर से ज़्यादा की स्ट्रीट है और एक से एक देखें ब्रांड है। देखें आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं, कोई टेंशन में नहीं है, कोई परेशानी में नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। और ये देखें कितना साफ़ सुथरा इन्होंने रखा हुआ है इसको। और मज़ेदार बात यह है कोई स्मेल नहीं है यहाँ पे इसको और कोई मक्खी आपको नज़र नहीं आती। LCYKK का जो टर्किश ब्रांड है उनका आउटलेट है मेन, 4-5 मंजिला ये आउटलेट है। असल में देखना पड़ता है कि पीछे से कोई गाड़ी ना आ जाए। तो देखिए ये आ गई टैक्सी, लेकिन पैदल चलने वालों के लिए रुकेंगे, आप इनको ले सकते हैं। ये देखिए ये शूज देखें, क्या खूबसूरत कलर के शूज हैं। मल्टी कलर बनाए हुए इन्होंने, किसी भी उसके साथ पहने जा सकते हैं। 25% ऑफ है, लेकिन कीमत सुन के होश उड़ जाएंगे। टर्की बहुत महंगा हो गया है, टर्की इतना महंगा नहीं था कुछ अरसा पहले तक, 2 साल पहले तक इतना महंगा नहीं था, अब बहुत महंगा हो गया है। ये पुलिस की गाड़ी है, आगे पुलिस स्टेशन भी है। टूरिस्ट फ्रेंडली है पुलिस इनकी। तो
वो गाना है ना, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। दोस्तों आपके साथ बातें करते हुए काफ़ी दूर मैं निकल आया हूँ, लेकिन मैंने कहा कि आज आपको मैं ना इसका मैक्सिमम दिखा दूँ। इसका कनाल है मेरी आज मेरा इरादा सारा दिन पैदल चलने का, देखें कहाँ जवाब दिया जाएगा। गर्मी है यहाँ पे, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है और उससे ठंड का एहसास हो गया। आज तकरीबन सुबह बारिश हुई हल्की सी और फिर दोबारा चांस है आज। टर्किश डिलाइट्स बकलावा, एक से एक जबरदस्त मिठाई, मुंह में डालते ही ना खुल जाता है ऐसे रस। फिर वोडाफोन आ गया, बाहर इन्होंने लिखा होगा 245 लीरा, अंदर जाएंगे तो 1600 लीरा। ये गाह को अंदर बुलाने का तरीका है वोडाफोन टर्की का। दो चीज़ें मैंने आपको टिप्स दी हैं, वो टिप्स ये हैं, एक तो एयरपोर्ट पे पैसे नहीं चेंज करने, उबर का अकाउंट बना के आएँ और वहाँ से उबर हायर करें जो आपसे कार्ड से पेमेंट ले लेगी, अपने होटल आ जाएं। अगले दिन या उसी दिन जब आपको मौका मिले शहर में किसी भी एक्सचेंज पे जाएं, तो $100 या 100 यूरो के पीछे कम अज़ कम 600 से 700 लीरा आपके बच जाएंगे, जिससे आप सिम ले सकते हैं, कुछ और काम काफ़ी सारे कर सकते हैं। और दूसरी टिप आपको मैंने ये दी है कि ई सिम वाला अगर फ़ोन आपके पास है तो एयरालो या किसी और कंपनी से ई सिम लें, वो सस्ती पड़ती है। जितने दिन का आपका 30 डेज का पैकेज होता है आप चेक कर लें airalo.com पे, और वो यहाँ से लेंगे बहुत महंगी है, यहाँ से अगर 40 यूरो की मिल रही है तो वहाँ पर वो आपको मिल जाएगी 30 यूरो की। सामने जो दुकान है ये कंप्यूटर की दुकान है, यहाँ से मैंने एक दफ़ा सस्ती सिम्स खरीदी थी। अब ये चेंज हो गया और फार्मेसी बन गया हुआ है। फार्मेसी यहाँ पे थी एक दुकान, वो बंद हो गई है गालिबन। वो ये है कैफे नेहरू इटालियन, बहुत अच्छा होती है शॉप। हाँ ये है इस साइड, इनसे पूछते हैं कि सिम जो है वो कितने की इंटरनेट वाली सिम। दुकान से भी मैंने चेक किया, 10 GB दे रहे हैं वो 650 लीरा का, जो कि $20 बनता है और वो भी महंगा है ना। तो फिर आप जो है वो ई सिम जो है वो सबसे सस्ता अभी तक ऑप्शन है इंटरनेट का यहाँ पे। ये अभी तक चल रहा है जनाब, इस तक लाल है भी नहीं। तुर्क टेलीकॉम, यहाँ पे इनका जब सर कोशिश मैं करूँगा आज रात भी एक चक्कर लगाऊँ। ये ज़ारा है इस तरफ, ज़ारा का ब्रांड है, देखें ये सेल कर रहे हैं अपने बुलबुले, बुलबुला रे बुलबुला, पानी का बुलबुला। एक कॉलेज, अच्छा एक ही ब्रांड के इस स्ट्रीट पे आपको चार चार पांच पांच आउटलेट भी मिल जाएंगे एक ही ब्रांड के, जैसे पीछे कॉलेज था यहाँ भी कॉलेज आ गया, वो टूडोर्स आ गया वहाँ पे, ठीक है। इस तरफ देखिए जैकटें, जितने भी मैंने आपको बताया ये गलियां भरी पड़ी होती हैं टेबल और चेयर से। यूएस पोलो आ रहा है सामने, देखिए फिर स्केचर्स वालों के आ गया। तो ये जगह जगह ये ब्रांड है, और आप ये देखेंगे सफाई देखें, आप सफाई सुथराई देखें। और अच्छा ये भी
एक है यहाँ पे चर्च था गालिबन एक, यस ये इस्तकलाल के रीति ये है, दिस इज यू कैन सी सेठ अंतिलो। यहाँ से आप अंदर जाके देख सकते हैं, चले अंदर जाने में तो कोई हर्ज नहीं है। यहाँ देखें ये ब्यूटीफुल चर्च है, ऊपर वो आपको स्लीप नजर आ रही होगी। ये अगला तो चर्च, और यहाँ पे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कोई फीस वगैरह भी वाले भाई नहीं है, आप जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये इस तरफ इसकी सारी डिटेल इन्होंने लिखी हुई है। ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है इसका। ये कितना जबरदस्त पुता बना, ये यूएस पोलो वालों का है। वॉक करते थे आप इस्तांबुल शहर में, क्योंकि टूरिस्ट सिटी है एक तरह से, और हर साल लाखों टूरिस्ट यहाँ आते हैं, तो पैदल आप हर तरफ वॉक कर सकते हैं। आज मैं आपको इस्तकलाल एवेन्यू दिखा रहा हूँ सारा चलते हुए, और ये आप देखें ये बैंक है, मेरा बैंक भी यही है, तो मैं कुछ पैसे इससे चेक करूँ लेने की। ये जनाब इस्तांबुल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री की बिल्डिंग है, ये भी इस्तकलाल एवेन्यू पर है इस तरफ। मैं सुबह जल्दी आया हूँ, मैंने कहा रश नहीं होगा तो मैं पूरा वॉक कर लूँगा, और कुछ जगह जो है वो मैं फिर भी लूँगा। अब देखें दो बर्गर किंग मैं क्रॉस कर चुका हूँ, ये तीसरा बर्गर किंग है। एक अब ये मैंगो भी आ गया इस तरह, एक ही आउटलेट के यानी एक ही ब्रांड के तीन से चार आउटलेट हैं इसके ऊपर। ये देखें इस तरफ फिर मछली पड़ी हुई है, शाम को ज़्यादा मज़ा आता है, रात के वक्त देखने वाला होता है। ये तो सेल है, अगर तो रेट मैंने इनके भी चेक कर लिए हुए हैं, लेकिन ये देखें टैक्स फ्री शॉप यहाँ से। ये देखिए ये सामने, मैं सोच रहा हूँ अपने शहजादा जो है मेरा शाहरुख, उसके लिए शायद मैं लूँगा यहाँ से कुछ। और ये जनाब तुर्की नाश्ता, आप चाहे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ तुर्की नाश्ता के बहुत ज़्यादा वो बने हुए हैं, क्या कहते हैं ना, रेस्टोरेंट्स, तो सिर्फ नाश्ता सुबह सुबह सर्व करते हैं, और आप जो हैं वो एक दफ़ा यहाँ पे तुर्किश जो ब्रेकफास्ट है उसको भी लाजमी इंजॉय करें। बहुत ज़्यादा मक्खन, चीज़, ऑयल अप्स, शहद, आइसक्रीम, योगर्ट, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी ये सारी चीज़ों के बहुत सारे फ्लेवर्स और वैरायटीज़ और क्वालिटीज़ होती हैं। इस तरफ आ गया इनका चॉकलेट्स वगैरह, आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। ये देखें कैंडीज हैं, फिर वो आ गया आप अंदर बादाम वगैरह, थोड़ा माइंड नहीं करते ये लोग, ये तो कहते हैं अभी आप हमारी आएँ और बनाएं वीडियोस। लेकिन अगर मैं एक एक दुकान की बनाना शुरू कर दिया, हाउस ऑफ सुपरस्टार ये ब्रांड, अगर मैंने एक एक का बनाना शुरू कर दिया, फिर छलियों का आ गया वो क्या कहते हैं, तो ठीले जगह जगह
अब ये यहाँ पे तकरीबन जो इस्तकलाल एवेन्यू जो है वो एंड होने वाला है और आगे जो है वो और शुरू हो जाएगा स्ट्रीट। साफ सुथरा, ये देखें एक मक्खी आपको नजर नहीं आ रही होगी, एक मक्खी, इतनी सफाई है यहाँ पे, एक मक्खी या मच्छर नजर नहीं आता। पिछले दिनों मैं और मेरी फैमिली गए मुल्तान में, हमने चांपें खानी थी और शाम से थोड़ा पहले हम चले गए तो वहाँ पे जैसे उन्होंने ऑर्डर सर्व किया कि 10,000 मक्खी है, उससे ज़्यादा वो अटैक होगी हमारे ऊपर। तो आप कहीं पे भी जाके बैठे, 5-star होटल में भी पाकिस्तान में बैठे तो आपको मक्खियाँ नज़र आएंगी। यहाँ पे तो ये एक मक्खी नज़र नहीं आएगी इस तरीके से। ये आइसक्रीम्स हैं इनकी, ये देखिए आइसक्रीम्स, ये कौन की प्राइस है। तो जब तक आप किसी भी कंट्री में सफाई को मेंटेन नहीं करेंगे वहाँ टूरिस्ट, तो आप भूल जाए कि टूरिस्ट भी आएंगे यहाँ पे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कोलंबिया का आ गया आउटलेट, अभी मैं आपको कहीं दिखा दूँगा कि फल कटे हुए पड़े हैं। हाँ, शहद की मक्खियाँ तो हो सकती हैं लेकिन ये दूसरी मक्खियाँ मच्छर नहीं है। फिर ये देखें, ये एस्प्रेसो लैब है। यहाँ लास्ट टाइम 2 साल पहले मैंने और मेरे बेटे ने कॉफ़ी पी थी और कुछ वक्त बिताया था हसान मसूद ने। अब अल्लाह ने चाहा तो बाप दादा पोता, और अगर अल्लाह ने मज़ीद मोहलत दी कुछ तो शायद परदादा, तो सकता है 4 नस्लें इसी इस्तकलाल एवेन्यू पे वॉक करेंगी। हर चीज़ उस हिसाब से नहीं होती जिस हिसाब से इंसान सोचता है, लेकिन ये है कि कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। ये पुलिस स्टेशन है यहाँ पे, और ये देखा बैंक्स भी जगह जगह है, जगह जगह बैंक्स हैं। इस तरफ आपको यहाँ पे काफ़ी चेंज हुई है अब तो। ये दोस्तों यहाँ पे इस्तकलाल एवेन्यू जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यहीं से वो ट्रेन भी चलती है और वो आने वाली होगी। तो ये इस तरफ पुमा का आ गया है, तो सामने आइसक्रीम्स हैं और ये कबाब्स हैं। क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि इन्होंने काटे हुए होंगे फल वगैरह, आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ इन्होंने काट के नहीं रखे हुए, बाहर उमूमली बाहर काट के रखे हुए, आगे चल के आपको दिखाता हूँ मैं। काट के रखे हुए होंगे उन्होंने, ये है जनाब यहाँ पे कोई शायद मसला बने। यहाँ पे एम्बुलेंसेज आ रही हैं और गाड़ियाँ आ रही हैं। देखिए एक और एम्बुलेंस आई है, मेरा ख्याल है तो पंजाबी में कहते हैं ना यहाँ से दर वट लिया जाए, उसको इशारे कर रहे हैं उधर जाओ। एक सेकंड में जो है ना वो आ गई एम्बुलेंसेज वगैरह। और मैं अमूमन कोशिश करता हूँ दियारे गैर में, अगर तो मैं अकेला हूँ और किसी की मेरी मदद ज़रूरत हो तो मैं उसको दे देता हूँ, लेकिन अगर वहाँ एम्बुलेंसेस वगैरह आ रही हैं जा रही हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ से दूर हो जाऊँ। क्या पता होता है क्या वाकया हुआ, एक तो आपको लैंग्वेज नहीं आती, दूसरा ये नहीं पता होता अभी वाकया क्या हुआ है, और इसलिए थोड़ा सा उससे फासले पर हो जाना चाहिए। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ शायद वो आ जाए, जो है वो ट्राम
चलें दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो इस्तकलाल एवेन्यू और तकसीम स्क्वायर के बारे में। तो आप दोस्तों को से दरख्वास्त है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और अपने कमेंट्स लाजमी दें। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि अपने साथ तुर्की की सैर भी करवाऊं। खुश रहें दोस्तों, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।